यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। केंद्रीय इस्पात मंत्री बीरेंद्र सिंह रोहतक पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि केएमपी और छोटू राम की सांपला में मूर्ति के साथ एक आवरण पर पीएमओ में चर्चा हो चुकी है। जुलाई के महीने में अनावरण का कार्यक्रम हो सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि सांपला में राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम भी सरकार बना सकती है। वहीं बीरेंद्र सिंह भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हमलावर नजर आए। उन्होंने कहा कि लोक लुभावने वादों से देश नहीं चलता। साथ ही एक और बड़ी बात ये भी कही गई कि घोषणा पत्रों में भी कोड ऑफ कंडक्ट लागू होना चाहिए ताकि घोषणाओं को गंभीरता से लिया जाए। देखिए प्रधानमंत्री जी का इतने यूं तो नहीं होता कि मैं बता दूं, लेकिन इतना ज़रूर है कि केएमपी पे जो काम चल रहा है वो शायद एक महीने के अंदर अंदर कंप्लीट होने की संभावना है। तो केएमपी और मूर्ति का अनावरण, इन दोनों चीज़ों के बारे में प्रधानमंत्री कार्यालय में ये बात हुई है कि एक साथ ही इनका कार्यक्रम कर दिया जाए। और इसके साथ साथ अंदाज़ा ये है कि जुलाई के महीने में ये प्रोग्राम बन सकता है। मैं ये कहता हूँ कि जो घोषणा पत्र हैं उन पे भी, जैसे कोड ऑफ कंडक्ट है ना, घोषणा पत्रों पे भी, पॉलिटिकल पार्टीज के घोषणा पत्रों पे भी इस तरह का कंडक्ट लागू होना चाहिए कि कोई अगर उन बातों को पूरा नहीं करता तो उनके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई ऐसी हो, ताकि भविष्य में राजनीति को लोग ये ना समझें कि ये झूठ का पिटारा है।